बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमारी ये दुआ होती है कि मैं देखने वाले जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। अल्लाह पाक उनको ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखें, आज जो है ना वो ईद है, तो सबसे पहले मैं तमाम व्यूअर्स को जो है ना ईद मुबारक। तो आज हम आपके साथ जो है ना वो शेयर करेंगे कि गाँव में जो है ना ईद कैसे मनाई जाती है। तो अभी देखे मैंने मेहंदी एक हाथ पे जो है ना लगा लिया, और दूसरे हाथ पे मैंने अभी नहीं लगाई। तो लिश बस सुबह सुबह उठ के कह रही है कि फूफो हाँ मेहंदी लगाई है, मुझे नहीं लगाई। तो मैं अभी जो है लिश बस मेहंदी भी लगानी है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो काम करने हैं। तो आपके साथ भी शेयर करेंगे, आपने जो है ना वो वीडियो के साथ साथ। लेकिन जी अभी मैंने जाना झाड़ू लगा लिया, तो सुबह सुबह अभी जो है ना हम बना रहे हैं चावल, जो होता है ना वो रंग बिरंगा जर्दा, आज वो बना रहे हैं। वरना तो हर बार हम जो है ना वो एक कलर का ही ज़्यादा बनाते हैं, तो इस बार हमने कहा है कि नहीं भाई हम जो है ना वो इस बार रंग बिरंगा जर्दा खाएँ। तो देखें अभी जेली शिवा ने मेहंदी लगाई है, उसकी मम्मा ने उसको मेहंदी लगाई देखें, और खुद अभी तक नहीं लगाई है। तो अभी झाड़ू जो है ना मैंने लगा लिया है, तो भाभी बनाने लगे हैं जी चावल जर्दा। तो देखें अभी जान लिशबा से पूछते हैं कि लिशबा तुमको मेहंदी किसने लगाई है। लिशबा सबसे ज़्यादा खुश है, देखें अभी जाना वो बच्चों को ईद की काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है ना। लिशबा अपनी मेहंदी दिखाओ, लिशबा इसकी मम्मा ने लगाई है।
सैड हो जाऊंगी। और अब भी अबू और सब घर वालों के कपड़े जो है वो भी इस्त्री करने हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो है ना वो कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। चलें जल्दी से कपड़े इस्त्री कर लेते हैं, ये ना हो कहीं लाइट चली गई तो काफ़ी ज़्यादा फिर जो है ना इशू हो जाए। तो देखें जी अभी हमने सभी काम जो है ना वो कर लिए हैं, तो अभी मैंने जो है ना कपड़े पहन लिए हैं, लिशवा ने भी, तो अभी हम हो रहे हैं तैयार। जैसे जो है वो गांव में लड़कियां सिंपल सा जो है ना तैयार होती हैं, जल्दी से जो है ना वो तैयार हो जाते हैं। चलें लिशवा अभी देखें चूड़ियाँ पहन के कितनी खुश हुई है। तो देखें अभी ना भाभी कह रही हैं लिशवा को तैयार, तो हर बार मैं खुद ही हो जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं कह रही हूँ कि भाभी आपने मुझे तैयार है। लिशवा सोने से काफ़ी ज़्यादा डरती है, इसलिए देखें उसकी मम्मा उसको डालने लगी तभी रोने लगी है। पहले वाल बनावी मेरे पीछे चलावी नहीं आई नहीं लिश भी तो ये देखें जी हमारा मेकअप जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना सिंपल सा है, ज़्यादा नहीं है जैसे शहर में जो है ना वो होता है ज़्यादा मेकअप होता है, लेकिन हमारे पास जो है वो इतना कम मेकअप है, लेकिन अभी हम जो है इसके साथ गुजारा करेंगे। जीनू तैयार करने वाल आ गया तो मेरी वाली मैंने वाल को नहीं आता तो अभी देखें जी मैं और लिशमा बिल्कुल तैयार हो गए हैं। लिशमा भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्यारी लग रही है, ये देखें चुटकियाँ भी लगाई हुई हैं, साथ में एयरबैन भी लगाया हुआ है। तो अभी मैं भी तैयार होंगी, भाभी अभी तक बिल्कुल नहीं तैयार हुई, उन्होंने कहा है कि मैं थोड़ी देर से तैयार होंगी। तो आपने जो है ना कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि हम जो है कैसे लग रहे हैं। ऐसे ही गाँव में जो है ना वो ईद मनाते हैं, और चावल भी हमने बनाए थे और खा लिए हैं अभी।
तो अभी जानो थोड़ा सा घूमे फिरेंगे और माशाल्लाह से देखें मौसम जानो काफ़ी ज़्यादा प्यारा बना हुआ है, ठंडी ठंडी से जानो हवा चल रही है। तो आप सब व्यूअर्स को जाना एक बार फिर से जाना ईद मुबारक, वो तो सुबह कहा था लेकिन अभी फिर कह रहे हैं आप सब को जाना वो दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। तो अभी देखें जी अबू जाना नमाज पढ़ के आ गए हैं ईद की, तो अभी जाना बैठे हुए हैं आराम से अंदर, अम्मी भी बैठी हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो खुशी की बात तो ये है क्योंकि अबू ने जो है ना वो सारे रोज़े रखे हैं, असल ईद तो अबू जान की बनती है, तो वो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक हो। तो थोड़ा सा ना बात करने से शर्माते हैं इसलिए। तो यही होती है हमारी ईद की रूटीन, गांव में लोग जाना वैसे ईद मनाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो जाना वो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर मज़ीद आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अभी आप भी इंजॉय करें और हम भी इंजॉय करेंगे ईद का दिन।